चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अतिथि विद्वानों ने सरकार से आर पार की लड़ाई की ठान ली है और ऐसे में भोपाल की नीलम पार्क में प्रदेश भर से हजारों अतिथि विद्वान जुट रहे हैं और सभी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। अतिथि विद्वान सरकार से वादा पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं और अपनी कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। तो सड़कों पर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, धरने पर बैठेंगे। कई बार एक ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है लेकिन बावजूद इसके अभी तक समाधान नहीं हुआ। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान अपनी नौकरी के प्रति बहुत ही बेचैन हो चुके हैं। अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने जो है सहायक प्राध्यापक पदों का विज्ञापन निकाला है। इससे पूर्व भी जब विज्ञापन निकाला गया था लगभग 3000 अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो चुके थे। हमने जो है 29 तारीख को जो है नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना रखा है, जिसमें हम अपने वर्तमान के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क में आकर हमसे कहा था कि सभी अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण होना चाहिए, अगर मैं हमारी सरकार आई तो हम सबका नियमितीकरण करेंगे। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपना पूरा वादा करें और जो अतिथि विद्वान अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं उस चिंता को दूर करते हुए उनकी नियुक्ति प्रकरण की प्रक्रिया को अविलंब प्रारंभ किया जाए। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रिजेश, अतिथि विद्वान का आज प्रदर्शन है, खाली पदों को भरने की मांगे लंबे वक्त से उठाई जा रही है, कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया, समाधान नहीं निकला। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में लगभग 7000 अतिथि विद्वान हैं जो कॉलेजों में अपनी सेवाएं सालों से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1,00,000 पदों पर भर्ती निकाली है लेकिन कॉलेजों में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। संविदा पर प्राइवेट रूप से ये काम कर रहे हैं, अनियमित है, अनिश्चित है इनकी जॉब और यही वजह है कि चिंता की और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको निश्चित किया जाए, इनको पक्की नौकरी दी जाए, नियमित किया जाए। और इसीलिए पूरे प्रदेश से ये संविदा जो प्रोफेसर हैं वो आज भोपाल के नीलम पार्क में पहुंचकर 11 बजे से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पहले कई बार बीजेपी और कांग्रेस ने इनसे वादा किया है नियमितीकरण का लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका है और यही वजह है कि टेक्नीशियन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद अब जो है वे प्रोफेसर जो है वे मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए। बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था वादा पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से आज जो अतिथि विद्वान जो है धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे।